बता दें कि छठ के महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो चुकी है। इसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु व्रत करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, साथ ही छठी मैया की विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन छठ व्रत के आखिरी दिन अगर महिलाओं को पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? जी हाँ, बता दें कि छठ का व्रत काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसे में अगर मासिक धर्म आ जाए तो महिलाओं को समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको छठ व्रत के आखिरी दिन पीरियड्स आते हैं तो क्या करना चाहिए। बता दें कि अगर आपको मासिक धर्म आने के बारे में पहले से पता है तो ऐसे में आप छठ का व्रत ना करें। अगर छठ के आखिरी दिन आपको शंका है कि मासिक धर्म आ सकता है तो व्रत ना रखें। लेकिन अगर आपको आखिरी दिन पीरियड्स आ गए हैं और आप व्रत कर चुकी हैं तो ऐसे में आप पूजा खुद ना करें। जी हाँ, जो सूर्य को अर्घ है वो आप खुद ना दें, पूजा खुद ना करें, घर में किसी दूसरे सदस्य से करा लें। साथ ही छठी मैया का मन में स्मरण करते रहें। अगर आपको पीरियड्स आखिरी दिन आ गए हैं तो ऐसे में निराश होने की ज़रूरत नहीं, बस मन में छठी मैया को याद करते रहें और उनका ध्यान करते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।